बिग बॉस सीजन 18 में हो चुकी है वाइल्ड कार्ड एंट्री और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ वाइल्ड ही हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले ही दिन बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड यानी कि दिग्विजय राठी और कशिश कपूर ने घर में धमाके किए हैं और सबकी बोलती बंद की है। क्या कुछ कहा है दिग्विजय ने बिग बॉस के लाडले से, वहीं कशिश ने ईशा को किस तरीके से चुप कराया है, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस सीजन 18 में हो चुकी है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, हम आपको बता दें, आते ही साथ दोनों वाइल्ड कार्ड ने काफी सारे कंटेस्टेंट को धमकी देते हुए भी नजर आए हैं। जहाँ दिग्विजय ने साफ साफ कह दिया था, अगर कोई उनसे वो करवाने की कोशिश करे जो उन्हें नहीं पसंद, फिर वो नहीं चलता उनके सामने। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। विवियन ने यही बात को उठाया और दिग्विजय को दे दिए वॉशरूम की ड्यूटीज, जो कि वो नहीं करना चाहते फिलहाल के लिए। जस्ट उन्होंने घर में एंट्री ली और उन्होंने कह दिया कि एक हफ्ते मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। जहाँ विवियन अपनी बातों पे टिके हुए हैं कि आपको तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, वहीं दिग्विजय का कहना है जिसे जो करना है कर लिए, मैं ड्यूटी नहीं करूँगा ये वाली। वहीं दूसरी ओर बात की जाए कशिश की, तो ईशा को कुछ कशिश पसंद नहीं आई है। जी हाँ, ईशा काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी हैं कशिश की बातों से, जिसके बाद इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईशा कशिश को कहती हैं, लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो मुझसे, मैं नहीं लेकिन आप ज़रूर इनसिक्योर हो। जिसके बाद कशिश का जवाब होता है कि आप में है ही ऐसा क्या जो मैं आपसे इनसिक्योर हूँ, आप एक आंधों में काना राजा हो बस। जी हाँ, तो पहले ही दिन इन दोनों ने बिग बॉस के शो पे राज करना चालू कर दिया है। वाइल्ड कार्ड की एंट्री वाइल्ड तरीके से हुई है, तो किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ेंगे ये दो वाइल्ड कार्ड, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं इस प्रोमो को देखकर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।